राहुल गांधी हिंदुस्तान के अंदर चाइना का एजेंट है। पाकिस्तान को तो इसका सबक सिखा चुके हैं हम लोग, अब बारी चाइना की है। नमस्कार, न्यूज़ 87 में आपका स्वागत है। मैं हूँ तंदीप कौर। पिछले कुछ दिनों से जो हमारे बॉर्डर एरिया में जो घटनाएं घट रही हैं, LAC की बात करें तो हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो क्लैश हुआ उसमें हिंदुस्तान के 20 जवान शहीद हुए। इस सिलसिले में युवाओं में काफ़ी कुछ भी देखने को मिला, काफ़ी जम्मू में जो है उसकी काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया चाइनीज प्रोडक्ट्स को लेकर। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भाजपा युद्धवीर सेठी जी के साथ। सबसे पहले सर आपका स्वागत है न्यूज़ 87 में। धन्यवाद जी। सर क्या कहेंगे, एक तरफ से चाइना जो है बातचीत कर रहा था हिंदुस्तान के साथ और दूसरी तरफ से जो है ये घटनाएँ घटती हैं, किस तरह से देखते हैं आप इसे? चाइना के DNA में भी फ़र्क है जी। उसके DNA में झूठ और फल फ्रेब है जी। जब COVID-19 की बात चली तब भी आपने देखा होगा जी। लाखों की संख्या में उसने अपने नागरिकों को मरवाया, पर दुनिया के सामने पाक साफ बन रहा है जी। उसकी करनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। एक तरफ तो बात करनी और उसके बाद रात के अंधेरे में निहत्थे सैनिकों के साथ डंडों और लाठियों से युद्ध करना, शर्म आनी चाहिए इसको। हमने अपने मां भारती के बीच शूरवीरों की जान गंवाई वहाँ पर, उन्होंने शहादत दी वहाँ पर साथ साथ में हमारे बहादुर जांबाज जवानों ने उनके भी 40 से ज़्यादा जवानों को मारा वहाँ पर। नरेंद्र भाई मोदी जी के इस शासन में मैं आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर कहना चाहता हूं कि ये अब 62 वाला हिंदुस्तान नहीं है जी। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान है। अब यहाँ के सैनिक जो हैं उनका आप मनोबल तो देखें आप एक बार जी। वो दिन दूर नहीं जब भारत हमारा विश्व भर में नंबर 1 पे होगा जी। सबसे बड़ी शक्ति बनेगी और ये जो चाइना है ये आर्थिक तौर पर इतना कमज़ोर हो जाएगा हर देश से भीख मांगता हुआ मिलेगा। पर इस वक्त अब मनोबल तो देखो देश के लोगों का क्या मनोबल है दोस्त। आप चैनल के माध्यम से जाते होंगे, हर व्यक्ति इस परिवार के साथ खड़ा है। शहीदों के जो परिवार हैं हर व्यक्ति उनके साथ खड़ा है। चुपके से अंधेरे से विश्वासघात करना इनकी तो कूटनीति में है। सर आपने कहा कि चुपके से जो विश्वासघात करना, पर इस बार कहां पर भरोसा कर दिया हिंदुस्तान ने? उसके साथ एक तरफ से तो वो बातचीत कर रहा था, दूसरी तरफ से ये विश्वासघात होना, क्या हिंदुस्तान को पता नहीं था कि ये विश्वासघात होगा? देखिए जब सैनिकों में वार्ता चल रही थी जी। तो वहाँ पे एग्रीमेंट है कि सैनिक वेपन्स के साथ नहीं जाते वहाँ पर जी। और किसके दिल में क्या लिखा है, किसके माथे पे क्या लिखा है, किसके दिल में क्या है, ये आप कैसे सोच सकते हैं जी। चाइना जो आर्थिक तौर से तंगी में है इस वक्त कोविड की मार के बाद, जिस प्रकार से वहाँ से जो अलग अलग कंपनियां थी वहाँ पे जो कितने ही देशों ने बायकॉट कर दिया उन कंपनियों का, वो कंपनियां वापस लेके दूसरे देशों में वो कंपनी अपने ऑफिसेज खोल रही है। सिर्फ वहाँ के जो लोग थे उनका ध्यान, उनका जो माइंड सेटअप था उसको चेंज करने के लिए हर बॉर्डर पे डिस्टर्बेंस कर रहा है कि कहीं मेरे चाइना के अंदर बगावत ना हो जाए। इस कूटनीति से इसने यहाँ भी गद्दारी की हमारे साथ। समय आने पर हमें विश्वास है कि जो हमारे सैनिक हैं वो चुन चुन कर इनसे बदला लेंगे। और मैंने फिर बोला आपको, जो आंखें हमारी देश की तरफ आगे बढ़ेंगी, पाकिस्तान को तो इसका सबक सिखा चुके हैं हम लोग, अब बारी चाइना की है। सर राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे जो सैनिक हैं उनको बिना हथियार के वहाँ किसने भेजा, इसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी हिंदुस्तान के अंदर चाइना का एजेंट है जी। वो सबसे बड़ा एजेंट है चाइना का और पाकिस्तान का जी।
उनकी तरफ से बयान आना कि प्रधानमंत्री छुप कर बैठ गए हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। किस प्रकार से मनोबल गिराते हैं वो अपने सैनिकों का और अपने देशवासियों का। ये काम क्या शोभा देता है एक अपोजिशन की पार्टी को जिसने 70-75 साल राज किया यहाँ पर। दूसरा, उन लोगों ने जिस प्रकार से ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते हैं राहुल गांधी को, अब ट्वीट के साथ खेलना बंद करना चाहिए। और इस देश के ऊपर जब संकट आया हुआ है, जब हमारे बॉर्डर पे खतरा मंडरा रहा है, तो अच्छे अपोजिशन के भांति जो लोग रूलिंग पार्टी में हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि उनको ऐसे बयान देने चाहिए जिससे लगे कि वो एक कठपुतली की भांति हैं, ना कि एक अच्छे नेतृत्व की भांति अपनी पार्टी को संभाल रहे हैं, ना इस देश को दिशा दे रहे हैं। सैनिकों के हाथ में हथियार नहीं थे तो उनको सेना को क्यों बॉर्डर पे भेजा गया? इसकी संधि इनके शासन के दौरान ही हुई हुई है। पढ़ लिख कर इन लोगों को ट्वीट भी करना चाहिए और बयान भी देना चाहिए। और आज वो समय आ चुका है कि एकजुट होकर अपोजिशन को और रूलिंग पार्टी को नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा प्रधानमंत्री जीवन में देश को नहीं मिला जिसने COVID-19 के अंदर जो मुकाम पैदा किया, सारा विश्व उनके पीछे चल रहा है और इस मुकाम को वो शायद, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, कोविड से तो हम निकल जाएंगे पर जो देश के अंदर बैठकर चाइना और पाकिस्तान के गुण गाते हैं, इन लोगों को क्या सबक सिखाना है ये आने वाले लोग बताएंगे। सर, आपने कहा कि राहुल गांधी जी को ट्वीट से खेलना बंद करना चाहिए, पर ट्वीट से तो हर एक लीडर खेलता है, हर एक मंत्री जो है ट्वीट से खेलता है, पर वो देश के खिलाफ नहीं खेलता। हम राजनीति करते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, सोशल समाज के साथ साथ सत्ता में आने का हर व्यक्ति को अधिकार है, लोगों को जागरूक करने का अधिकार है, लोगों के बीच में मुद्दे लेकर जाने का अधिकार है। पर ट्वीट के माध्यम से हम कभी देश की सीमाओं को कमज़ोर करने का काम नहीं करते, हम कभी ऐसी तारे नहीं हिलाते जिससे पाकिस्तान में बैठे आका खुश हों या चाइना के जो आका हैं उनको बल मिले। हम, आपका कहने का मतलब कि उनके ट्वीट से जो है उनको जो है बल मिलता है जो दूसरे देश के हैं? बिल्कुल मिलता है। निहत्ते सेना क्यों चली गई? प्रधानमंत्री क्यों छुपकर बैठ गए? ये क्या इतना राहुल गांधी के बारे में आप आम जनता से पूछें? नरेंद्र भाई मोदी जी का कद देखें और राहुल गांधी जी का कद देखें, उनकी भाषा सुने, उनकी भाषा सुने। पीछे भी जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो ये लोग सेना से सबूत मांग रहे थे, आज भी सेना के ऊपर ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि वो बिना हथियारों के आगे क्यों गए वहाँ पर। मतलब जो रक्षक है हमारे, जो देश की रक्षा के लिए प्राण हथेली पे रख कर बैठते हैं, जो सीमाओं के ऊपर खड़े रहते हैं दिन रात, जो 40-40 टेम्परेचर पे और +55 टेम्परेचर पे भी हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, ये उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? ऐसे लोगों को तो बाज आना चाहिए, नहीं तो मैं फिर कह रहा हूँ, जनता ने काफ़ी हद तक जवाब दे दिया इन लोगों को, आने वाले समय में इनको बाकी का भी जवाब मिल जाएगा। अब भी अगर सर्व दल जो बैठक बुलाई गई है आज, इनको वहाँ जाना चाहिए, अपनी राय बंद कमरे में रखनी चाहिए, ना कि पब्लिकली बोलकर। ये कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये देश के सरहदों को संभालने की राजनीति है, ये दुश्मनों के खिलाफ लड़ने की एक रणनीति तैयार करनी है, ना कि फिर मैं वही बोलूँगा कि ट्वीट के माध्यम से खिलौना खेलना नहीं आना चाहिए इनको, जो मोबाइल पे खिलौना खेलते हैं। कम से कम जिस दल के ये नेता हैं उसकी मर्यादा तो कम से कम इनको रखनी चाहिए। सर, आप क्या लगता है कि इंडिया को जो है चाइनीज जो प्रोडक्ट है उससे बायकॉट कर लेना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए,
कोविड के दौरान अगर आज हर बॉर्डर पर चाइना छेड़छाड़ कर रहा है, उसका जो पीछे मुद्दा है, कोविड के दौरान आर्थिक तौर पर चाइना आज हिल चुका है और जितनी कंपनियां हैं वो अपने ऑफिसेज वहां से उठा रही हैं। जितने देश जिनको कोविड का असर हुआ है, आज पूरी महामारी से इसने पूरे देश को, पूरे विश्व को इसने खतरे में डाल दिया, वो लोग अपने ऑफिस उठा रहे हैं। आर्थिक तौर से ये लोग चाइना की जो कंपनियां बर्बाद हो रही हैं। कल भी 474 करोड़ का जो यहाँ टेंडर था उसको कैंसिल किया हिंदुस्तान की सरकार ने। 135 करोड़ लोग हमारे यहाँ के, अगर वो बायकॉट करते हैं चाइना के सामान को, आप सोचें। एक तो जो नारा दिया आत्मनिर्भर का नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारा देश सशक्त होगा, एक एक युवा यहाँ पर अपना रोजगार खोलेगा, अपना सामान बेचेगा। हम लोगों को अब तो समझ आ जानी चाहिए, जो चाइना का माल हम यूज़ करते हैं, जो चाइना का माल हम खरीदते हैं, जो उसका प्रॉफिट, अगर माल आना बंद हो जाएगा तो खरीदना भी बंद हो जाएगा। सर आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट के कई कायदे कानून हैं, पर हिंदुस्तान का व्यक्ति अगर आज नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री मिला है, जिनके पीछे एक स्वर में खड़े होते हैं, कोविड के दौरान जब उन्होंने एक आह्वान किया था कि अपने छतों पे जाके आप बर्तन बजाएं, घंटियां बजाएं, कि आध्यात्मिक शक्ति आएगी कोविड के खिलाफ लड़ने के लिए। दूसरा उन्होंने आह्वान किया था रात को दीप जलाएं, पूरा हिंदुस्तान दीप जला रहा था, नगाड़े बजा रहा था। ऐसे प्रधानमंत्री के अगर पीछे ऐसे हिंदुस्तानी हैं जो बॉर्डर पे तो सेना लड़ेगी, और बॉर्डर की सेना के एक एक सैनिक के पीछे जो हमारी उन्होंने जो शहादत दी है, एक एक कण उनके खून के बदला हम लोग लेंगे, और वो बदला होगा आर्थिक तौर से कमज़ोर करके चाइना को। उसका रोल कौन मॉडल बनेगा? हम हिंदुस्तानी बनेंगे, 135 करोड़ की जनता बनेगी, और आर्थिक तौर से उसको भविष्य में हम कमज़ोर करेंगे। ऐसा प्रण करके आज हम लोगों ने चलना है। बॉर्डर पे देश लड़ेगा, बॉर्डर पे सैनिक लड़ेंगे, और देश के अंदर हम सैनिकों के पीछे लड़ेंगे। सर आपको नहीं लगता कि अब ये जो स्टेप उठाया जा रहा है कि प्रो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बायकट करना चाहिए, ये पहले लेना चाहिए था आपकी सरकार भी काफ़ी समय से, कि आपकी सरकार ने ये स्टेप पहले क्यों नहीं उठाया? स्वदेशी का नारा पहले ही दिया था, शहादत तो 5 तारीख को हुई, 5 मई को हुई, पर आपने अगर पिछला मन की बात सुनी होगी, नरेंद्र भाई मोदी जी का पिछला आप टीवी के ऊपर उनका भाषण सुना होगा, तभी उन्होंने बोल दिया था कि अगर कोविड जैसी महामारी से लड़ना है, अगर हम लोगों ने आर्थिक तौर पर हम कमज़ोर ना हो, अगर हमने भविष्य में एक शक्ति बनना है, तो हमने आत्मनिर्भर होना है, हमने अपने अपने छोटे छोटे लघु उद्योग लगाने हैं, हमने हर नौजवान को अपने पैरों पे खड़ा करना है। ये उन्होंने आज से पहले बोला था और स्वदेशी का नारा दिया था। ये तो कुदरती, इनका दिमाग ख़राब था, इनकी कूटनीति गंदी है कि इन्होंने हमारे वहाँ पे हमारे नौजवानों की शहादत की, ऐसे सैनिकों की, युवा सैनिकों की, आज उनके घर वाले देखें कैसे रो रहे हैं। पर स्वदेशी का नारा इन्होंने उससे पहले दिया प्रधानमंत्री ने, ऐसा परिपक्व प्रधानमंत्री इस देश को नहीं मिल सकता। और आज ये खुशकिस्मती हम लोगों की कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, और हम सबको उसके सैनिकों के माफिक उसके पीछे डटकर खड़े होना है। शुक्रिया, धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भाजपा युद्धवीर सेठी जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब हमें जो है चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को हिंदुस्तान से बायकट कर देना चाहिए। और भी अपडेट के लिए देखते रहे न्यूज़ 87। कैमरा पर्सन आदित्य के साथ मैं तंदीप कौर।